नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। गंगा नदी की सफाई और पुनरोद्धार के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को अब विश्व बैंक का साथ मिला। वर्ल्ड बैंक नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए 40 करोड़ डॉलर यानी करीब 3,023.10 करोड़ रुपए का कर्ज देकर मदद करेगा। विश्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना SNGRBP से नदी का प्रदूषण कम करने और नदी बेसिन का प्रबंधन मजबूत करने में मदद मिलेगी। बता दें कि इन 40 करोड़ में से 38.1 करोड़ डॉलर यानी 2,879 करोड़ रुपए कर्ज के रूप में और 1.9 करोड़ डॉलर यानी 143 करोड़ रुपए विश्व बैंक गारंटी के रूप में होंगे। इस 38.1 करोड़ डॉलर के ऋण करार पर भारत सरकार की ओर से आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे और विश्व बैंक के भारत में कार्यवाहक निदेशक कैसर खान ने हस्ताक्षर किए। गारंटी वाले पक्ष पर बाद में व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने कहा कि इसमें से 15 करोड़ डॉलर या 1,134 करोड़ रुपए का इस्तेमाल 3 नई हाइब्रिड एन्युइटी मोड परियोजनाओं में किया जाएगा। ये राशि आगरा, मेरठ, सहारनपुर में गंगा की सहायक नदियों पर खर्च की जाएगी। इसके अलावा 16 करोड़ डॉलर की राशि बक्सर, मुंगेर, बेगूसराय की मौजूदा डिजाइन, निर्माण, परिचालन और स्थानांतरण परियोजनाओं तथा दीघा, कंकड़बाग, पटना तथा हावड़ा, बैली और बड़ा नगर पश्चिम बंगाल की हाइब्रिड एन्युइटी मोड परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी। विश्व बैंक गंगा के पुनरोद्धार के सरकार के प्रयासों में 2011 से समर्थन कर रहा है।